हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की मसालेदार सब्जी। इसके लिए मैंने 1 kg गोभी लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धो लिया है। साथ में ही मैंने थोड़े से मटर लिए हैं, उबले हुए आलू जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, कुछ टमाटर 1 से 2 जिसे मैंने मोटे काट रखे हैं, लहसुन की कलियां, प्याज 1 बड़ा, हरी मिर्च, अदरक के आधे इंच की टुकड़ी और थोड़े से धनिया पत्ती। सूखे मसालों में हमें जो चाहिए वो है धनिया, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और सूखे मसालों में हल्दी, लाल मिर्च, नमक। दोस्तों, यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें सरसों के तेल को ले लिया है और अब हम इसमें अपने कटे हुए गोभियों को लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत लाल करके हमें फ्राई करना है। ये देख रहे हैं दोस्तों, हमने अपनी गोभी बिल्कुल हमारी लाल हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों, अब हमने उसी कढ़ाई में फिर से तेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें अपने उबले हुए छोटे कटे हुए आलूओं को भी क्रिस्प लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारे आलू क्रिस्प हो गए हैं और तब तक मैंने टमाटर को भी प्यूरी कर लिया और अपने कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, धनिया सबका प्यूरी मैंने बना लिया। अब हम अपने क्रिस्प हुए आलूओं को भी निकाल ले रहे हैं। यहाँ हमने फिर से कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और इसमें हम अपने मसालों वाले पेस्ट को फ्राई कर लेते हैं। इसे तेज आंच पे पकाए। इसी समय हम अपनी हल्दी, लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए तेज आंच पर तब तक भूने जब तक ये तेल से अलग ना हो जाए। मसाले को भूनते हुए हमें 5 मिनट तक हो चुकी है। अब हम इसमें अपने टमाटर की प्यूरी को मिला लेंगे और इसे और भूनेंगे। हमें मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए गोभी और आलू को ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए, हमारे आलू गोभी पूरे मसाले में अच्छे से कोट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने फ्रेश मटर को ऐड कर देते हैं। साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन लगा के 5 मिनट तक धीमे आंच पे पकाएंगे। दोस्तों, हमें सब्जी को पकाते हुए 5 मिनट तक हो चुकी है। आइए हम इसे चेक करते हैं। हमारी सब्जी भी नर्म हो गई है। आलू गोभी मटर ने कलर बदल लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करते हैं, थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी। अच्छे से मिक्स करते हैं।
और इसे फिर से ढककर 5 मिनट हम धीमे आंच में कुक करते हैं। खोल के देखते हैं, सब्जी हमारी पक गई है। देखिए पक कर कितनी अच्छी इसकी कलर आया है। अब हम अपने गैस को बंद कर देंगे और कटे हुए धनिया पत्ते से इसे गार्निश कर देते हैं। अगर आपको सब्जी अच्छी लगी हो तो इसे बनाइए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।